आज हम लेके आए हैं बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा रेसिपी जो कि ये व्रत का स्पेशल है। अगर आप इसे चाहें तो बिना व्रत को भी ऐसे भी इसमें ढेर सारे मसाले के साथ बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, व्रत के लिए बहुत ही बेस्ट है, तो ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। और साथ ही बहुत ही अच्छा सा मखाने का रायता भी बनाएंगे इसके साथ खाने के लिए। तो देखिए वीडियो एंड तक और बने रहिए। वीडियो पसंद आ जाता है एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या किए हैं, ये साबूदाना लिए हैं और इसे 4 घंटे पहले हमने भिंगो कर छोड़ दिए थे। तो देखिए कितना बढ़िया से ये मैश हो रहा है, बहुत ही अच्छा से सॉफ्ट हो गया, फुल का डबल हो गया है। तो इसे क्या करना है, जितना हम माप कर लेंगे, जितना हमें साबूदाना लेना है उतना ही पानी डालकर इसे बढ़िया से वॉश करके पहले, उसके बाद पानी जितना साबूदाना उतना पानी डालकर छोड़ दीजिएगा। अब क्या करेंगे, इसमें चटपटा टेस्ट के लिए हम डालेंगे हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ों। इस तरह से बढ़िया से हमने खलबट्टे में बढ़िया से इसे हम कूट लेंगे ताकि इसका टेस्ट और भी एनहांस हो जाए और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाए। तो लीजिए सारे को हमने दरदरा सा इसे कूट लिए हैं। अब क्या करेंगे, जो साबूदाना लिए हैं ना उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो अब आधे जो अदरक और ये हरी मिर्च का जो हमने कूटे हैं ना वो आधे इसमें अभी हम डाल लेंगे और आधे को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो अभी के लिए आधा हम डाल लिए हैं, आधा से थोड़ी सी वैसी ही ज़्यादा ही डाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, ये लिए हैं मूँगफली यानी सिंगदाना, इसे हम बढ़िया से पीस लिए दरदरा सा और इसमें किसी भी चीज़ के आटे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ मूंगफली के ये दरदरा सा पिसा हुआ पाउडर लेंगे और 3 से 4 चम्मच हमने डाल लिए हैं और बढ़िया टेस्ट फ्लेवर के लिए डाले हैं 1/2 चम्मच हमने काली मिर्च का पाउडर डाले हैं, थोड़ी सी ये भुनी हुई जीरा पाउडर है, थोड़ी सी ये कश्मीरी लाल मिर्च है, तीखे के लिए नहीं डाल रहे हैं। अब स्वाद के अनुसार सिंधा नमक जो कि हमने व्रत में खाते हैं वो डाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसे सारे चीज़ को बढ़िया से हम करेंगे मिक्स। तो मिक्स कैसे करना है, इसे इस तरह से हथेलियों से बढ़िया से मसलते हुए मिक्स करिएगा ताकि इसमें बाइंडिंग परफेक्ट आ जाए। इसमें किसी भी चीज़ का आटे डालने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि मूंगफली का हमने जो पाउडर डाले हैं ना, और इस तरह से मसलते हुए जब हम इसे मैश करेंगे तो ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया बाइंडिंग ले लेता है। तो बस इसी तरह से आप मसलते जाइए, और अगर चाट मसाला खाते हैं व्रत में तो आप ज़रूर से डालिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। इसके जगह पर आप नींबू का रस डालिएगा, हम नहीं डालते हैं तो हम चाट मसाला व्रत में नहीं लेते हैं, तो हम डाल दिए हैं इसमें नींबू का रस और देखिए बहुत ही बढ़िया से परफेक्ट बाइंडिंग आ रहा है। तो चलिए क्या करेंगे, इसे रखेंगे साइड में और देखें इसमें किसी भी चीज़ के आटे का इस्तेमाल हमने नहीं किए हैं। ले लिए हैं आलू, तो 2 मीडियम साइज़ का आलू है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, कम या ज़्यादा बनाते हैं उसी हिसाब से। तो 2 आलू में मेरा बहुत ही परफेक्ट हो गया था, तो बस 2 आलू को हमने इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। आप ग्रेट करके लीजिएगा ज़्यादा बेहतर होगा। तो लीजिए 2 आलू को हमने ग्रेट कर लिए हैं और बचे हुए जो सिंगदाना के ये पाउडर जो है उसे हम इसमें भी 2 चम्मच डाल लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे सीव कर सकते हैं, इसके बिना भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है ऐसे भी। और जो बचा हुआ अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट था कूट कर जो रखे हुए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हरी मिर्च का क्वांटिटी थोड़ा कम लग रहा था तो ऊपर से हमने बारीक काट कर डाल लिए हैं, तीखे अपने हिसाब से डालिएगा, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब इसमें फिर से चटपटा टेस्ट के लिए हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर है, हमें स्पाइसी पसंद है तो हम थोड़ी से ये तीखी वाली लाल मिर्च डाल लिए हैं, थोड़ी सी भुनी हुई जीरा पाउडर डाल लिए हैं। आप अपने हिसाब से जो भी व्रत में खाते हैं वो डालिएगा, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। अब इसे बढ़िया से हम करेंगे मिक्स, पहले इस तरह से हम मिक्स कर देखते हैं। तो देखिए ये बढ़िया से मिक्स करने से पहले इसमें हम डालेंगे नमक जो कि सेंधा नमक है, तो याद रखिएगा व्रत में खाने वाला नमक है सेंधा नमक, वही हमें इस्तेमाल करना है। और अदरवाइज आप व्रत में ये गरम मसाला खाते हैं तो डाल लीजिएगा, थोड़ी सी हमने MDH का गरम मसाला डाल लिए हैं, इससे अच्छा टेस्ट आ जाता है, खाने में बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हमने व्रत का खाना खाए हैं, लेकिन बिल्कुल व्रत का है स्पेशल। तो चलिए अब इसे बढ़िया से हम मिक्स कर लिए हैं, अब इसे रखेंगे साइड में। ले लिए हैं साबूदाना का ये देखिए जो हमने मिक्स करके रखे थे, और हथेलियों के बीच इस तरह से हम फैला लेंगे, बिल्कुल भी इसे हम कोई भी बाइंडिंग अभी नहीं देंगे, इस तरह से फैलाते हुए रख लेंगे और बीच में हम डाल लेंगे जो आलू का स्टफी बनाए हैं, ऊपर से हम फिर से साबूदाना का बैटर से कवर कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ईजिली है, और बस ऐसे दबाते हुए हमें इसे गोल कर लेना है। इस तरह से आप गोल कर लीजिए या इस तरह से चपटा करके बनाइए, बहुत ही परफेक्ट बाइंडिंग ले लेता है अपने आप में साबूदाना, स्टार्च होता है इसमें बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से रख दीजिएगा,
उसके बाद जब गर्म हो गए तो अपने आप स्टार्च में बहुत ही अच्छे से ज्वाइंट हो जाता है। तो देखिए ये हो गया कितना बढ़िया परफेक्ट, बहुत ही सुंदर सा हमारा ये टिक्की बनकर तैयार हुआ है। बस इसी तरह से हम एक और बना लिए हैं, देख सकते हैं। तो चलिए सारे हम इसी तरह से बनाकर तैयार करेंगे, बहुत ही आसानी से बन जाता है, ट्राई कीजिएगा एक बार। तो लीजिए बन गया है सारे, हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया। इतना वेटर में हमारा टोटल 5 पीस बनकर तैयार हुआ है। अब क्या करेंगे, रायते के लिए हमने एक पैन चढ़ाए हैं, पैन गर्म है तो इसमें थोड़ी सी डाल दिए हैं हम मखाने। तो मखाने का रायता, खीरे के रायते, या इसमें चाहे तो आप सिंगदाना यानी कि मूँगफली का दाना भी डाल सकते हैं रायते में, या तो खीरा के रायते भी बना सकते हैं, लेकिन हम आज मखाने के रायता बनाते हैं। इसके साथ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है इसलिए। तो चलिए बढ़िया से हमारा करारे हो गए हैं तो उसे हम रख दिए साइड में। तब तक हम रायते के लिए दही तैयार कर लेते हैं। तो हम स्टेनर पर रखेंगे एक, मतलब कटोरे पर हम एक रखते हैं स्टेनर और उसमें दही डाल देंगे, और किसी भी चीज़ से इस तरह से हम चलाते हुए इसे पूरे दही को हम इस तरह से छान लेंगे। इससे क्या होता है, लब्स बिल्कुल भी नहीं रहता, बिल्कुल फाइन दही हमारा बनकर तैयार हो जाता है रायते के लिए। तो लीजिए हमारा ये दही भी हो गया है रायते के लिए तैयार। तो अब क्या करेंगे, अब इसे भी रखेंगे साइड में, और तब तक हमारा जो मखाना है वो भी हल्का सा ठंडा हो गया है। तो मिक्सी के जार में रख के बस पल्स मोड पर 1 से 2 बार ही हल्का सा चलाना है, बिल्कुल फाइन नहीं करना। देख सकते हैं कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ ज़्यादा छोटे हैं, इस तरह से हमें इसको मखाने का टुकड़े चाहिए। अगर आप चाहें तो साबुत मखाने को भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से करने से ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इस तरह से हम पल्स मोड पर चला लिए हैं। अब चलिए टिकियाँ हम सेकते हैं। तो आप चाहे तो आपे पैन में, आपे के साइज में बनाकर आपे पैन में सेक सकते हैं, या तो इस तरह से फ्राई पैन में, या तो आप चाहे जैसे भी मन है वैसे बना लीजिए, बहुत ही टेस्टी बन जाता है। साबुदाना हल्का भाप से ही सीज जाता है, तो इसमें कोई भी ये नहीं रहता है कि अंदर से कच्चे रहेगा या ये वो, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। ऊपर से करारे, अंदर से सॉफ्ट नरम मुलायम, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए एकदम से लो फ्लेम पर हम इस तरह से हल्का सा तेल डाले हैं। आप चाहे तो घी का इस्तेमाल कीजिएगा, और थोड़ी सी सफ़ेद तिल डाल लिए हैं, आप चाहे तो ब्लैक वाला भी डाल सकते हैं। अगर व्रत में तिल नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिएगा, लेकिन कोई भी किसी भी व्रत में तिल खाया जाता है, तिल कोई भी रोक टोक वाला नहीं है, तिल खाते हैं हम लोग और बहुत सारे लोग खाते हैं। तो चलिए इसे हम उलटते पुलटते हुए लो फ्लेम पर हम इसे बढ़िया से फ्राई करेंगे, और कम तेल में हमारा ये बहुत ही परफेक्ट टिकिया बनकर तैयार होता है। तो चलिए इसे निकाल लिए हैं, ऐसे ही हम सारे को तैयार कर लेंगे। तो देखिए कितना आसानी और कितना परफेक्ट क्रिस्पी करारे ऊपर से, और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट नरम मुलायम है, क्योंकि अंदर हमने आलू का स्टफी भरे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो लीजिए बना लिए हैं, टोटल हमारा 5 पीस फ्राई हो गया है। तो चलिए अब इसे रखेंगे साइड में, और ले लिए हैं दही। तो दही पहले हमने नहीं नमक डाले थे, क्योंकि हम लास्ट में डालना है। तो जितना खाइएगा उतना ही में नमक डालकर आप रायते मिलाइए, इससे अच्छा होता है। थोड़ी सी हम नमक डाल लिए, संधा नमक, 1 हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल लिए हैं, और थोड़ी सी काली नमक का, काली मिर्च का पाउडर डाल लिए। अब चाहे तो जीरा पाउडर भुने हुए भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब इसे क्या करेंगे, जो मखाने हमने दरदरा सा पीसे है ना, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसे बढ़िया से करेंगे मिक्स। और अगर आप चाहें तो इस समय इसमें तड़का लगा सकते हैं, जैसे घी ऑयल में जैसे जीरा डालकर, और लाल मिर्च, कड़ी पत्ते डालकर तड़का लगा सकते हैं, लेकिन हमें बिना तड़का के ही बहुत ही परफेक्ट लगता है। हम तड़का नहीं लगा रहे हैं, थोड़ी सी हरा धनिया डालकर इसे हम मिक्स कर लिए हैं। लीजिए हमारा मखाने का टेस्टी चटपटा रायता तैयार है। तो लीजिए रायता, और ये ब्रेकफास्ट तैयार है, व्रत के लिए स्पेशल तैयार है। बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस व्रत में इसे ट्राई कर सके, इंजॉय कर सके। तो चलिए बनाइए, इंजॉय कीजिए, और अपना राय हमें साझा ज़रूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आगे बढ़ाइए, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही नए नए रेसिपी लाते रहें और आप इंजॉय करते रहें। वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट्स बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स, हमें अच्छा लगता है। आप लोग जब कमेंट्स करते हैं तो हमें पढ़ने में बहुत खुशी मिलती है। तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, तो कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, और देखने में तो इतना सुंदर लगता है, उससे ज़्यादा खाने में लगता है। तो एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।